जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, तिवारी बाबा जीतेगा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से यही आवाज़ आ रही है, और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से देवचंद्र मंडल और तिवारी बाबा जनसंपर्क के दौरान मिल गए हैं। और तिवारी बाबा से बात करते हैं कि अब चुनाव का महज एक सप्ताह बचा है, 24 नवंबर को झंझारपुर में चुनाव होना है, पंचायत चुनाव। और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से किस्मत आजमा रहे हैं देवचंद मंडल और तिवारी बाबा। बाबा अभी एक सप्ताह बचा है चुनाव का, क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और सबसे तो पहले मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 के सभी माता और बहनों को और भाई बंधुओं को, जितने मतदाता मालिक हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, प्रणाम है। जो अच्छे आदमी को चुने, जो क्षेत्र की जो है कुछ विकास जो है सो हो, और बहुत मेरा जो है सो माने हर जगह जो है सो चर्चा बना हुआ है। जो इस बार जो है सो हम लोग जो है स्थानीय आदमी को चुनेंगे, हम भटक जाते हैं, भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, इसलिए सारे 6 पंचायत की जनता जो है सो मन बना लिया है, जो हम लोग जो है सो स्थानीय आदमी को देवचंद्र मंडल को जो है सो चुनेंगे, और अपने क्षेत्र के आदमी को जो है सो माने जो है सो सुख दुख में जब कभी भी 12 बजे रात में भी मौका मिलेगा तो हम जा कर के अपनी जो है सो बात को रखेंगे, और उस समस्या का मेरा समाधान होगा, यही लोगों का जो है सो कहना है। और उस आधार पर मैं अभी तक जो है सो बहुत मजबूती से जो है सो मैंने क्षेत्र में डटे हुए हैं, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जो क्षेत्र संख्या 49 के मतदाता जो है सो इस बार जो है सो मैंने बहुत सोच समझ करके वोट डालेंगे। तो और मेरा भी वादा है, जो हम अगर भगवान की कृपा से मैं पब्लिक की आशीर्वाद मिल गई, तो मैं दिन और रात करके जो समस्या होगा हर हमेशा पब्लिक में जा कर के जो है सो उसका शेयर करूंगा। हर सप्ताह जो है सो क्षेत्र में घूमूंगा, और अपने मतदाता का दुख जो है सो जो समस्या है उसको सुनेंगे, और उस पर मैं जो है सो खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे, ताकि जो आज तक जो एक बार जीता है और दूसरी बार क्षेत्र में नहीं आता है, 5 साल घूम करके पब्लिक के बीच में नहीं जाता है, तो उस चीज़ सबको हमको जो है सो दूर करना है, ताकि पब्लिक ये समझे जो नहीं हम वोटे देने के अधिकारी नहीं है, जिसको वोट देते हैं उसका किस दायित्व बनता है, उसका कोई जवाबदेही होता है, जो वो कुछ जो है सो कर सकता है, लेकिन काम करने की तमन्ना होनी चाहिए। निश्चित रूप से जनता जिनको आशीर्वाद देती है उस जनप्रतिनिधि को उस क्षेत्र में आके मिलना चाहिए, और जनता के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। बाबा आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आड़ी छाप मेरा चुनाव चिन्ह है, और 8 नंबर EVM के 8 नंबर पर में जो है सो मेरा चुनाव चिन्ह आड़ी छाप जो है सो मेरा जो है चुनाव चिन्ह है। और सभी मतदाता मालिक सो प्रचार के द्वारा और ये पर्ची के द्वारा जो है सो घर घर तक पहुंच करके जो है सो समझाते हैं, EVM द्वारा उनको समझाया जाता है, जो 8 नंबर पर में आड़ी छाप का निशान रहेगा वहाँ बटन दबाइएगा, और जो है सो माने तिवारी बाबा को जो है सो भारी मतों से जो है सो जिताएगा, ताकि इस 49 क्षेत्र का कुछ जो है सो विकास हो, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 का विकास हो। और देवचंद मंडल और तिवारी बाबा का कहना है, एक बार जनता मुझे आशीर्वाद दे, और फिर जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीते हैं वो जीतने के बाद दोबारा मतदाताओं के पास नहीं पहुँचते हैं, लेकिन उसमें अगर आशीर्वाद मिलता है तो बाबा खड़े रहेंगे। बाबा अपने मतदाताओं को, चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, एक सप्ताह बाकी है, क्या निवेदन कर रहे हैं? हम मतदाता मालिक से यही निवेदन करते हैं, जो सोच समझ करके वोट डालिए, सही आदमी को चुनिए, अगर सही आदमी को चुनिएगा और तो कुछ विकास होगा, कुछ समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा मिलने जुलने से भी समाधान होता है। अगर हम जाएंगे
वहाँ कोई मोहल्ला में जाएंगे, कोई पंचायत में जाएंगे, वहाँ जो है सो दुख दर्द को समझेंगे, तभी उसको समाधान के लिए हम जो है सो कुछ आगे बढ़ करके जो है सो काम जो है सो रखेंगे जिला में। और अगर काम रखेंगे तो बहुत तरह की बात है जो हम करवा सकते हैं। मेरे पास 6 पंचायत में लगभग 45,000 वोटर है। 45 वोटर का मालिक जो बनता है उसको बहुत बड़ा दायित्व बन रहता है, और वो अगर चाह लेगा तो कोई चीज़ कोई समस्या जो है सो समाधान करने में दिक्कत नहीं होगी। 45,000 वोटर है जिला परिषद जनसंख्या 49 में, और ये वोटर अगर आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से देवचंद्र मंडल जी का कहना है कि बच्चा अगर रोता है तो माँ दूध देती है, और जो मतदाता उन्हें आशीर्वाद देंगे, मतदाताओं के सुख दुख में ये शामिल रहने का वादा कर रहे हैं। उस तरह की समस्या क्षेत्र में लोगों ने हमको बताया। अब गांव समाज में कोई दूरा दरवाजा नहीं है, किसी की बेटी की शादी होती है, कोई किसी की श्राद्ध होता है, कोई ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है टोले मोहल्ले में जो 25-50-100 आदमी की ठहरने की कोई व्यवस्था हो, तो हम उसको चिन्हित करके जहाँ सरकारी ज़मीन होगा उस पर में हम कोशिश करेंगे जो सामुदायिक कुछ ऐसा जो है सो काम हो, मकान बन जाए, ताकि जो है सो टोले मोहल्ले वाले लोगों को जो है सो ये सुविधा हो जाए कि वहाँ बराती ठहरे, कोई फंक्शन होता है, कोई मीटिंग होता है, कोई श्राद्धे होता है, तो वो जो है सो माने एक बहुत बड़ी जो है सो समस्या देहात में बनी हुई है, तो उस चीज सब को हम जो है सो माने मिटाने का दम प्रयास करेंगे, और अगर आशीर्वाद मिल गया तो उस सब काम करके हम दिखाएंगे। आशीर्वाद मिल गया तो हम काम करके दिखाएंगे। हम पहुँचे थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49, और 49 से प्रत्याशी देवचंद्र मंडल उर्फ तिवारी बाबा हैं। बता दें कि कई महीनों से ये क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं और जनता से अपना वोट मांग रहे हैं। हम इनसे बोले भी थे कि अब चैनल के माध्यम से पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम में जनता तक अपनी बात पहुँचाएँ, तो इन्होंने बताया था कि जब हमको चुनाव चिन्ह आवंटित होगा तो निश्चित रूप से आपकी टीम को हम बुलाएंगे, और हमें बुलाए, हम इनके पास पहुँचे, उन्होंने सारी बात रखा अपने मतदाताओं तक पहुँचाने के लिए। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य पंचायत में किसी अन्य प्रत्याशी के साथ। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम पुष्पम प्रज्ञा है और आप सब मुझे देख रहे हैं KR न्यूज़ पर। मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बहुत ही अच्छी पहल है वोकल फॉर लोकल, और ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो कि मधुबनी जिला से लिया गया है। आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट एंड फॉलो आस पीपल टू फॉलो दिस चैनल, बिकॉज बढ़ेगा इंडिया, हर एक लोकल स्पेस बढ़ेगा तभी कंट्री डेवलप होगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आप इसका बिल्कुल समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक छोटे छोटे कोशिश को, एफर्ट को अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।